नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं NSDL की ओर से जो न्यू मेथड से पैन कार्ड बनाने का तरीका है वो कैसे बनाना है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आपको जो है इस वाले मेथड से आपको जैसे आप पैन कार्ड बनाते हो तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है आपको भेजना पड़ता है, पर एक्चुअली इस वाले मेथड से जो है आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है घर बैठे ही ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हो, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो देखिए, आप एक मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए या फिर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए एक थंब इम्प्रेशन के लिए। तो आप इन दोनों मेथड से भी, आप NSDL से भी पैन कार्ड बना सकते हो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको NSDL से पैन कार्ड कैसे बनाना है तो इसके बारे में देखिए दोस्तों, आप जो है डिजिटल सेवा अगर आप CSE से बनवाना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से NSDL सर्च करना है और यहाँ पर पैन सर्विसेज पे क्लिक करके जो है इस वाले साइट पे आप आ सकते हैं। यहाँ से जो है आपको लॉगिन कर लेना है इस वाले पोर्टल पे, जो है आपका डिजिटली यहाँ पे पैन कार्ड बन जाएगा। आपको कोई भी फिज़िकल डॉक्यूमेंट जो है आपको NSDL के पोर्टल पे अपलोड या फिर आपको फिज़िकली डॉक्यूमेंट जो है सेंड करना नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले सर्च कर लेना है egovernor.cscloud.in NSDL। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर आपको पैन इंडियन सिटीज़न, यहाँ पे जो है आपका ओनली न्यू पैन कार्ड ही आपका अबो 18 ईयर्स ही आप बन सक यानी क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप माइनर पैन कार्ड जो है इसमें से बना नहीं सकते हो। तो आपको जो है ये बात ध्यान रखना है कि आपको अबो 18 ईयर्स ही आप इसमें से पैन कार्ड जो है न्यू क्रिएट कर सकते हो और इसमें चेंजेस भी आप नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको अगर आपके पास ओनली ई पैन कार्ड चाहिए या फिर ईमेल में, तो आप ई पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे, या फिर आपको दोनों चाहिए फिज़िकली और ई पैन, तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको आधार कार्ड के ऊपर जो भी नेम है उस नाम को प्रॉपरली यहाँ पे फिल करना है, जैसे आधार कार्ड में वैसे आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पे सेम एज अ डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस, और उसके बाद आपको यहाँ पे आई कंज्यूमर इसके ऊपर क्लिक करना है, RB स्टेट, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। देखिए दोस्तों, सबमिट करने से पहले आपका जो है फिंगरप्रिंट डिवाइस आपके कंप्यूटर को कनेक्ट होना चाहिए ताकि आपका जो है फिंगरप्रिंट कैप्चर हो सके। तो हम यहाँ पे सभी डिटेल जो है फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। यहाँ पे जैसे आप डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लिया हमने और सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पर देखिए, आपको जो है कुछ पेमेंट जो है कर देना है। यहाँ पे अमाउंट जो है 107 रुपये का यहाँ पे पेमेंट जो है आपको कर देना है। यहाँ पे सभी डिटेल्स जो आपको एक बार चेक कर लेना है ताकि आप गलती ना हो सके। अगर गलती होता है तो आपका जो पैन कार्ड है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ से एक बार जो डेट ऑफ बर्थ और नेम सब कुछ डिटेल्स चेक कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ से जो है प्रोसीड टू पेमेंट पे पे क्लिक करके आप जो है पेमेंट कर देना है। हम यहाँ पे पे क्लिक कर देंगे और पेमेंट जो है कर देंगे इसका। यहाँ पे देखिए वॉलेट पिन डाल लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है पेमेंट कर देना है। जैसे पेमेंट हो जाएगा आपको यहाँ पे प्रोसीड टू NSDL पोर्टल इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, EKYC असाइन मोड पे है, यानी आपका जो है EKYC पैन फॉर न्यू, यहाँ पर आपको KYC करना है। जैसे कि हमने बताया था, आपको यहाँ पर जो है एप्लीकेशन टाइप जो है न्यू ही रहेगा आपका और यहाँ पे इंडिविजुअली रहेगा। आपको यहाँ पर जो है आधार नंबर फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे श्री, श्रीमती या फिर कुमारी इनमें से सेलेक्ट करना है। आप जो है इंडिविजुअली ही यहाँ पे पैन कार्ड बना सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर सरनेम, और उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, और उसके बाद आपका मिडल नेम, और उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आपने फिल किया है, और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम इतना जो डेटा है हम फिल कर लेंगे। जैसे हम ये डेटा फिल कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़ माय आधार डिटेल्स ई साइनिंग फॉर पैन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको
लास्ट का जो ऑप्शन है यानी सबमिट का, सबमिट पर क्लिक कर देना है। हम यहाँ पे सभी डिटेल जो फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने इसमें सब डिटेल जो आपने फिल कर लिया है तो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे सब डिटेल जो शो करेगा। आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सभी डिटेल्स जो है आपको एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको जो है नेम और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे देखिए हैव यू हैज़ बीन नो योर अदर नेम, यहाँ पे नो कर देना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट कर उसके बाद आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको फिज़िकल पैन कार्ड आपको चाहिए तो आप यस पे रहने देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे इंडिया और उसके बाद स्टडी कोड यहाँ पे आपको फिल कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस जो है आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस है वो एड्रेस जो है आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा, यहाँ पे जो है फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका पैन कार्ड जो है आधार के एड्रेस के ऊपर भेजा जाएगा। तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। अगर आपका ऑफिस का एड्रेस है तो आप ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पे आप अदरवाइज़ आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक बार सभी डिटेल जो है एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ही आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको एरिया कोड, एओ टाइप और रेंज कोड और ये जो है आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है स्टेट आपका जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए हमारा जो सिटी सेलेक्ट किया और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपको ये जो सभी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको जैसे आप इसके ऊपर जो है आप क्लिक करेंगे आपके जो सभी डिटेल्स यानी जो है आपको आ जाएंगे। यहाँ पर जो नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपका प्लेस और यहाँ पे डेट जो ऑलरेडी आ चुका है तो हमें यहाँ पर प्लेस फिल करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको जो है यहाँ पर प्लेस फिल कर देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सबमिट के ऊपर आपको और नीचे आना है। यहाँ पे सभी जो आपने फॉर्म फिलअप किया था ये सब कुछ आपको एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ही जो यहाँ पे सब डिटेल्स आपको चेक कर लेना है, यहाँ पे एड्रेस, एरिया कोड और यहाँ पे सब कुछ देखने के बाद ही आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है सभी डिटेल्स चेक करने के बाद। यहाँ पे देखिए ओटीपी बेस या फिर आप बायोमेट्रिक बेस भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर ओटीपी या फिर अगर आपके कंप्यूटर को जो है बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट है तो आप ओटीपी बेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फिंगरप्रिंट डिवाइस बायोमेट्रिक से कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप जो है ओटीपी बेस ईकेवाईसी भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर ओटीपी बेस या फिर ईकेवाईसी दोनों की तरफ से यहाँ पर हम ओटीपी सेलेक्ट करेंगे और जैसे आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो है ओटीपी चला जाएगा। आपको यहाँ पर ओटीपी जो है फिलअप कर देना है और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा समय ले रहा है, यहाँ पे देखिए ई के वाई सी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जैसे आपने ओके कर दिया व्यू फॉर्म डिटेल्स बिफोर ई साइनिंग, आपको ये जो है एक बार चेक कर लेना है। जैसे आप इसको चेक कर लिया तो आपको जो है यहाँ पे देखिए आपको जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो करेगा। आपको ये सब कुछ जो है एक बार चेक करना है। चेक करने के बाद ही आपको जो है यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स चेक कर लेना है ऐसे।
और उसके बाद आपको यहाँ पे OTP बेस eKYC फिर से आपको कर लेना है। जैसे आप कर लेंगे आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट हो के आपको इस वाले पोर्टल पे लेके आएगा। आपको यहाँ पर जैसे इस वाले पोर्टल पे लेके आएगा आपको यहाँ पर आई हेयर बी ऑथराइज NSDL यहाँ पे क्लिक कर देना है इस बॉक्स में, और उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर जो है फिल कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड OTP इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा जो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे यहाँ पे देखिए, जैसे आप वेरीफाई करेंगे यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ई साइन प्रोसेसिंग का जो था यहाँ पे ई साइनिंग ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल आपको ओके कर देना है। यहाँ पे जो है यहाँ पे फॉर्म जो है हमारा सबमिट हो रहा है, तो यहाँ पे योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन डाउनलोड योर रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म ऑन योर ईमेल। यहाँ पे जो है आपका जो भी आप ईमेल एड्रेस दिए थे इसके ऊपर उस ईमेल पे जो है एक रिसिप्ट जो है भेजा गया है, तो आपको उसमें से आपको जो रिसिप्ट है वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और चेक कर लेना है आपको सभी डिटेल्स। और आपका जो पैन कार्ड है ई पैन जो है सबसे पहले आपके पैन कार्ड यानी आपके ईमेल पे यानी रजिस्टर ईमेल आपने जो भी आपने ईमेल दिया था अभी उसी ईमेल के ऊपर आपका जो पैन कार्ड है वो भेज दिया जाएगा। इस तरीके से जो है दोस्तों आप विदाउट फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड किए बिना ही आप इनमें से जो है पैन कार्ड बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट जो है आपको NSDL को भेजने की ज़रूरत नहीं है या फिर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको OTP या फिर आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको जो है कोई भी फिंगरप्रिंट डिवाइस जो है उससे आपको थंब इम्प्रेशन से भी आप जो है पैन कार्ड बना सकते हो। जैसे कि हमने अभी पैन कार्ड जो बनाया था उसका स्टेटस देखने के लिए आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में चले जाना है, और यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको सक्सेस ट्रांजैक्शन इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम यानी जिनका भी आपने पैन कार्ड बनवाया है तो उनका यहाँ पर नेम शो करेगा, और यहाँ पर डेट जिस डेट को भी आपने उनका पैन कार्ड बनाया है तो उनका जो है यानी अप्लाई किया तो उनका जो यहाँ पे डेट शो करेगा, और यहाँ पे उसका स्टेटस जो है सक्सेस है या फिर फेल है यहाँ पे आपको शो करेगा। और जैसे आप चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे आपको जो है उसका स्टेटस भी दिखाई देगा। इस तरीके से दोस्तों आप जो है पैन कार्ड को आप घर बैठे ही बना सकते हो, वो भी OTP या चाहे आप OTP अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट से भी आप जो है पैन कार्ड बना सकते हो दोस्तों। धन्यवाद।